हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेसमेंट के बारे में। फाइनली दोस्तों, बीएसएफ ट्रेसमेंट का यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी यहाँ पर ऑफिशियल और फिक्स डेट बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बताने वाला हूँ यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमेंट में सभी पोस्ट में यहाँ पर टी टेस्ट कब से होने वाले हैं। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमेंट में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली, स्पेशल रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में रिजल्ट डेट के साथ साथ बताने वाला हूँ आपका पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, सिर्फ इसको क्या रहने वाला है और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेसमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, सारी जानकारी के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमेंट में जो वैकेंसीज आउट की गई थी, यहाँ पर 1284 वैकेंसीज पर ये भर्ती निकाली गई थी। पर दोस्तों, जब यहाँ पर फिजिकल चल रहे थे, जो फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। पर दोस्तों, जब यह भर्ती निकली थी उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से अब जो यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमेंट में जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 2184 वैकेंसीज हैं। पर दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा। और दोस्तों, रिजल्ट के साथ साथ टेट टेस्ट कब से होंगे, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा। और दोस्तों, रिजल्ट डेट और टेट टेस्ट के जो डेट है, इससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमेंट में पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्जाम क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए और दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले इन चीज़ों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीएसएफ ट्रेसमेंट की यहाँ पर पोस्ट वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, सारी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टेटस को क्या रहने वाला है, पोस्ट वाइज यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों, सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बार बार पोस्ट की। तो दोस्तों, जो जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है, यहाँ 75+ में कट ऑफ जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस में 65+, ओबीसी में 71+ और एससी में 67+ और एसटीई में यहाँ पर 64+ यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ सिर्फ और सिर्फ बारह पोस्ट में सेफ स्कोर की, तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 75+ में मार्क्स बन रहे हैं, उन कैंडिडेट के यहाँ बारह पोस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। जो कैंडिडेट यहाँ पर बारह पोस्ट में 75+ मार्क्स से यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, उन कैंडिडेट के यहाँ पर टेट टेस्ट होने वाला है। बात करूँ कोबला पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 76+ में कट ऑफ जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस में 65+, ओबीसी में 73+, एससी में 64+ और एसटी में यहाँ पर 62+ यहाँ कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ दोस्तों बात करूँ यहाँ पर कुक पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 72+ में कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 62+, ओबीसी में 69+, एससी में 63+ और एसटी में यहाँ पर 60+ यहाँ कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ टेलर पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 77+, ईडब्ल्यूएस में 65+, ओबीसी में 74+, एससी में 64+ और एसटीई में यहाँ पर 62+ यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। वो दोस्तों बात करूँ अटैक कैरियर पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 73+, ईडब्ल्यूएस में 65+, ओबीसी में 70+ और एससी में 63+ और एसटी में यहाँ पर 61+ यहाँ कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ वॉशरमैन पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है वो 75+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों इसमें 68+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, ओबीसी में 72+, एससी में 65+ और एसटी में यहाँ पर जाने वाली है 63+ यहाँ कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ स्वीपर पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 79+ में कट ऑफ जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 70+, ओबीसी में 74+, एससी में 68+ और एससी में यहाँ पर 65+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों लास्ट में बात करूँ बेटा पोस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है, यहाँ पर 70+ में आप जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस में 63+, ओबीसी में 67+, एससी में 60+ और एसटी में यहाँ पर 60+ में जाने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर सेफ स्कोर की, तो दोस्तों सबसे पहले लास्ट में बात करते हैं बेटा पोस्ट में। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ बेटा पोस्ट में एग्जाम में 70+ में मार्क्स मिल रहे हैं, वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर बेटा पोस्ट में क्वालिफाई कर देंगे। और जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, उन कैंडिडेट यहाँ पर टेट टेस्ट होने वाला है। स्वीपर पोस्ट में यहाँ पर 75+ यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है, वॉशरमैन पोस्ट में 70+ में यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है, वाटर कैरियर पोस्ट में 72+ यहाँ सेफ स्कोर रहने वाला है।
टेलर पोस्ट में 75 प्लस यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है, कुक में यहाँ पर 70 प्लस में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है, सेफ स्कोर जो मैं रहने वाला है सेफ स्कोर कुक पोस्ट में यहाँ पर 70 प्लस में रहने वाला है, कोबला पोस्ट में यहाँ पर 75 प्लस में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जो आपको यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, ये एक या दो नंबर ऊपर नीचे रह सकती है। जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी टाइम में आपको बता दूंगा कि यहाँ पर किस पोस्ट में किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई। पर दोस्तों जो यहाँ कट ऑफ जाएगी यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, एक या दो नंबर का यहाँ पर गैप रहने वाला है। दोस्तों जो मैं बाबा पोस्ट में बताइए, बाबा पोस्ट में जनरल जो 75 कट ऑफ जाने वाली है, हो सकता है ये 72 प्लस में जाए। दोस्तों अभी इसकी कंफर्म ये कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले। और दोस्तों बात करें यहाँ पर बीएसएफ टेस्टमैन में यहाँ पर सेफ स्कोर की, चाहे आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पोस्ट हो, तो दोस्तों जिन कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में 75 प्लस में मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर कोई भी पोस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम में 75 प्लस में यहाँ पर मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट का यहाँ पर टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो दोस्तों टेंशन फ्री रहें। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बीएसएफ टेस्टमैन में रिजल्ट की और टेस्ट की। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर बीएसएफ टेस्टमैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है कि यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं लास्ट 14 अक्टूबर के बाद इसकी कोई अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिजल्ट के बारे में, या फिर अदर चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर दोस्तों जब भी यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूँ, यहाँ पर बीएसएफ ट्रेसमैन का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। पर दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएफ की, उस वेबसाइट पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों देख सकते हैं जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आती है, नोटिस आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 14 अक्टूबर के बाद यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं वाटर विंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बाद यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। पर दोस्तों जैसे ही रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट मिलती है बीएसएफ टेस्टमैन के बारे में, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट की कि यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों बीएसएफ टेस्टमैन का जो रिजल्ट है वो आपको इस महीने जारी नहीं हो सकता है, इस महीने में चांसेस नहीं है। और दोस्तों अगर रिजल्ट इस महीने आता तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी होती, पर दोस्तों इसके चांसेस बहुत कम है कि इस महीने बीएसएफ टेस्टमैन का रिजल्ट आ सके। पर दोस्तों जो चांसेस बन रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड डेट है वो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ बन रही है। तो दोस्तों बीएसएफ टेस्टमैन का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों रही बात यहाँ पर टेट टेस्ट की, तो दोस्तों जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता है रिजल्ट डेट के साथ साथ यहाँ पर टेट टेस्ट की जो डेट है यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा बीएसएफ टेस्टमैन का, उसी के साथ साथ बता दूंगा कि यहाँ पर किस पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई रिजल्ट टाइम में आपको बता दूंगा। और दोस्तों टेट टेस्ट कब से होंगे ये भी जानकारी आपको तभी दे दूंगा जब यहाँ पर बीएसएफ टेस्टमैन में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों टेंशन फ्री रहें, जब भी बीएसएफ टेस्टमैन रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है मेरे को तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी सारी जानकारी, टेंशन फ्री रहें। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर बीएसएफ टेस्टमैन रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।